तो आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवर लोड में। आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर शिफ्ट में दो से तीन क्वेश्चन बनता ही है। चलिए उस टॉपिक का नाम हम आपको बताते हैं कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो चलिए सेशन शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें बिना किसी देरी के। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इसमें प्रथम बिंदु है कि पियाजे जो थे वह स्विट्जरलैंड के थे। यह इतना इंपॉर्टेंट बिंदु नहीं है, या यूपी टेट का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन सीटेट में चूंकि समझ आधारित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि इस बार पैटर्न बदला है। ऑफलाइन पेपर होगा तो इस बार डीप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इस बार इसको ध्यान रखिएगा कि पियाजे जो थे वह स्विट्जरलैंड थे के थे। इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे ही वह वस्तु के बारे में दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते। पियाजे ने कहा था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वह वैसे ही वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तथा अगला तीसरा बिंदु इसमें है कि संज्ञान का अर्थ होता है जानना। तो संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है जानने का, हम किस प्रकार हमारे विकास होता है, हम किस प्रकार ज्ञान का जो विकास होता है उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो प्रश्न यही बन सकता है कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है। संज्ञान का अर्थ होता है जानना, किसी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में जानना ही संज्ञान है उसके चीज़ में। जैसे कि संज्ञान न्यूज़ में भी आप लोग सुनते हैं कि संज्ञान में आया है कि तीन अपराधी पकड़े गए हैं, तो वह संज्ञान मतलब जानने में आया है कि तीन अपराधी पकड़े गए, तो संज्ञान का अर्थ होता है जानना। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा था बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। तो इन्होंने कहा था बच्चे जो हैं वह सक्रिय ज्ञान के निर्माते हैं, अर्थात वो जो ज्ञान बना करते हैं वो अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं, मतलब अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो खुद उनको निर्माण करते हैं, वह खुद सीखते हैं सक्रिय रूप से। इसीलिए उन्होंने ये भी बताया था कि नन्हे वैज्ञानिक है। तो इनमें इन्होंने कहा बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की खुद रचना करते हैं। तो बच्चे करके खुद सीखते रहते हैं, तो बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की, इसको एक उदाहरण के बारे में अगर हम समझाएं, अगर आप मान लीजिए एक माता है वो अपने बेटे से कहती है बेटा ग्लास को मत छूना, इसमें गर्म पानी रखा है, गर्म पानी, तो वह नहीं मानता है क्योंकि वह बच्चा है, वह नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही वह उसको छुएगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस बॉटल को अब हमें नहीं छूना, इस ग्लास को अब हम कभी नहीं छूना क्योंकि इसमें गर्म पानी रहता है। तो इसको क्या कहेंगे हम कि बच्चे ने सक्रिय ज्ञान खुद अपना निर्माण किया कि इस बॉटल में गर्म पानी है छूके। तो इसको कहते हैं बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। और इसी को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग कहता है। तो इसी को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग किस थ्योरी कहते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो थ्योरी है उसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग कहते हैं। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता है, जैसे कि मैंने जो उदाहरण दिया उसको याद रखिएगा, उससे आपको याद रहेगा। अगला बिंदु है कि बच्चों की जो थिंकिंग है वह एडल्ट से प्रकार में अलग नहीं होती ना कि क्वांटिटी में। तो बच्चों की जो थिंकिंग है वह एडल्ट से प्रकार में अलग होती है ना कि क्वांटिटी में, मतलब बच्चों की जो थिंकिंग होती है वह सोचते उतना ही है, वह हर चीज़ों के बारे में सोचते उतना, लेकिन उनकी जो थिंकिंग होती है वह प्रकार में अलग होती है, मतलब कि उनको क्या सोचना है, उनकी सोच जो होती है ग्लास के बारे में दूसरी होती है कि ये गर्म पानी, इस ग्लास में हमेशा गर्म पानी रहेगा, या और बड़े की थिंकिंग किसी भी चीज़ के बारे में अलग होती है, क्वांटिटी उतनी रहती है, वह सोचते उतना ही हमेशा है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि बच्चों की जो थिंकिंग है वह एडल्ट से प्रकार में अलग होती है ना कि क्वांटिटी में। चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने कुछ प्रत्यय दिए थे उसको बारे में देखते हैं, जिसमें था एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है, अनुकूलन जिसे कहते हैं, एडाप्टेशन क्या है, तो वातावरण के अनुसार ढलना, वातावरण के अनुसार ढलना ही एडाप्टेशन है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कि जो पियाजे ने अपनी थ्योरी दी थी उसके कुछ प्रत्यय में पहला प्रत्यय है एडाप्टेशन किसे कहते हैं। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही एडाप्टेशन या अनुकूलन है, तथा यह दो प्रकार की होती हैं, एसिमिलेशन जिसे आत्मसातकरण कहते हैं तथा एकोमोडेशन जिसे समायोजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा इन सब जो थ्योरी आती है जो पियाजे के, कोलबर्ग की या अन्य और दो तीन प्रकार की थ्योरियाँ जो आती हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि आप इंग्लिश के वर्ड को ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो हिंदी में है वह नाम हमेशा बदलता रहता है। आत्मसातकरण को कभी कुछ किस नाम से कह देंगे, जैसे मूर्त संक्रियात्मक को कुछ और कह देंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अमूर्त को कह देते हैं। इस प्रकार हिंदी में जो उनके शब्द हैं वह बदलते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो उनके शब्द हैं वह हमेशा सेम रहते हैं, इसलिए आप उनके इंग्लिश शब्द को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एसिमिलेशन का अर्थ है आत्मसातकरण तथा एकोमोडेशन का अर्थ है समायोजन। चलिए इसको डीप में देखते हैं। एसिमिलेशन पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना ही एसिमिलेशन कहलाता है। तो पूर्व ज्ञान के अनुसार जो हम नए ज्ञान को, एसिमिलेशन क्या है, आत्मसातकरण किसको कहते हैं, तो पूर्व ज्ञान के नए ज्ञान को जोड़ना ही
एसिमिलेशन, जैसे साइकिल सीखने वाले का ज्ञान से बाइक चलाना, तो जैसे आप साइकिल सीखते हैं पहले, तो उसी साइकिल सीखने के ज्ञान से हम बाइक चलाना भी सीख लिए, तो वह है एसिमिलेशन अर्थात आत्मसात करना, मतलब पूर्व ज्ञान के अनुसार नए ज्ञान को जोड़ना। इसका एक और उदाहरण है कि अगर बच्चा आप किसी बच्चे के साथ पार्क में घूमने जाते हैं, तो वह बच्चा जब आपसे पूछता है कि ये क्या है, अगर कोई कुत्ता जाता रहता है तो आप बताते हैं वह कुत्ता है, तो कुत्ता अगर काले रंग का होगा तो वह उसके माइंड में यह फिट हो जाता है कि वह कुत्ते होते हैं, हर चार पैर वाले जानवर कुत्ते होते हैं तथा सभी कुत्ते का रंग काला होता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वह एक कुत्ता को सफ़ेद या कुछ अन्य रंग का देखते हैं, कुछ बड़े कुत्तों को देखता है, तो वह अपने पूर्व ज्ञान में बदल लेता है कि कुत्ते सफ़ेद भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार वह अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार नए ज्ञान को जोड़ लेता है कि कुत्ते सफ़ेद भी हो सकते हैं, तो वह उसे ही कहते हैं पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ना एसिमिलेशन। अगला बिंदु है कि एकोमोडेशन क्या कहते हैं, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, इसको ध्यान रखिएगा कि एकोमोडेशन क्या है, जिसे कहते हैं कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। जैसे कि एक इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि एक बच्चा है, वह सिर्फ यही जानता है कि जो हर चार पैर वाले आप उसको पार्क में ले गए तथा उसको आपने बताया कि यह कुत्ता है, तो वह यह सोचेगा कि हर चार पैर वाले जानवर जो होंगे वह कुत्ता होगा। लेकिन कुछ समय बाद वह पार्क में फिर गया, वहाँ देखा कि एक कैट है या एक बिल्ली है, उसके भी चार पैर हैं, तो उसका जो ज्ञान था उसमें अपने परिवर्तन कर लिया कि नहीं, हर चार पैर वाले जानवर सिर्फ कुत्ते नहीं होते, कुछ बिल्लियाँ भी होती हैं। तो उसने पूर्व ज्ञान में अपने चार पैर वाला जो ज्ञान था उसमें परिवर्तन किया कि हर चार पैर वाला जानवर कुत्ता ही नहीं होता, बिल्लियाँ होती हैं। इस प्रकार उसने एकोमोडेशन किया था, पूर्व ज्ञान में अपने जो था स्कीमा में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाया, तो इसको एकोमोडेशन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना अर्थात साइकिल सीखने का ज्ञान से बाइक चलाना जो है वह पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना है अर्थात आत्मसातकरण है, तथा पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना एकोमोडेशन है अर्थात इसमें जैसे कि मैंने बताया कि बच्चा पहले यह समझता था कि हर चार पैर वाले जानवर कुत्ते होते हैं, लेकिन जब कुछ समय बाद उसे बिल्ली को भी दिखा तब उसे पता चला कि नहीं, हर चार पैर वाले जानवर कुत्ते ही नहीं होते, कुछ बिल्लियां भी होती हैं, तो उसने अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर लिया, तो इसे एकोमोडेशन कहते हैं। अगला बिंदु है कि इक्विलिब्रेशन किसे कहते हैं, इक्विलिब्रेशन जो है एसिमिलेशन व एकोमोडेशन में बैलेंस बनाता है। तो इक्विलिब्रेशन क्या है, एसिमिलेशन व एकोमोडेशन बैलेंस बनाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो बार प्रश्न बना है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इक्विलिब्रेशन क्या है, एसिमिलेशन व एकोमोडेशन में बैलेंस बनाता है। अगला बिंदु इसमें है स्कीमा, इंपॉर्टेंट बिंदु, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है स्कीमा। दिमाग में हमारे जो पहले से स्टोर चीजें होती हैं, किसी व्यक्ति पर धारणा जो हम बना लेते हैं उसे स्कीमा कहते हैं, ये धारणा लिखा है। तो दिमाग में पहले से स्टोर चीजों से किसी व्यक्ति के प्रति धारणा बनाना स्कीमा कहलाता है। तो स्कीमा क्या होता है, जो हमारे दिमाग पहले से स्टोर होती हैं कि या नीला रंग है या पानी है, पानी पिया जाता है, खाना खाया जाता है, तो जो चीज़ें हमारे दिमाग पहले से स्टोर है तथा उससे हम किसी व्यक्ति के प्रति जो धारणा बना लेते हैं उसे स्कीमा कहते हैं। तथा एक बात और इंपॉर्टेंट है कि स्कीमा जन्मजात होती है, जो स्कीमा होती है वह जन्मजात होती है। तो यह ध्यान रखिएगा कि स्कीमा जो है हमारे दिमाग पहले से स्टोर चीज़ें होती हैं, इसे बंच ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। तो इसके उदाहरण जैसे कि जैसे हमको पता है पहले से ही पानी क्या है वह पिया जाता है, तो खाना क्या है वह खाया जाता है, तथा ये गया तो जिन जानकारियों को हमें पहले से ही पता होता है वे स्कीमा कहलाते हैं। अगला बिंदु है कि स्कीमा को ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि स्कीमा को ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो चार अवस्थाएं दी थी, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं दी थी, तो उसको चलिए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चार अवस्थाएं कौन कौन सी थी। नंबर एक थी संवेदी गामक, संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष थी, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। संवेदी गामक अवस्था जो सेंसरी मोटर, इसको ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर वो वह सेंसरी मोटर स्टेज बस 0 से 2 वर्ष थी। तो इनकी पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष थी, तथा इसमें इन्होंने कहा था कि बच्चे ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। इन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं वह ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं तथा वस्तु स्थायित्व आ जाता है उनके। तो पहला बिंदु इसमें है एक संवेदी गामक में कि बच्चे जो हैं ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, मतलब किसी चीज़ को छू कर सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, या किसी को स्मेल करके सीखते हैं, या सुनकर सीखते हैं, इस प्रकार सीखते हैं, तथा वस्तु स्थायित्व आ जाता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि ऑब्जेक्ट परमिनेंस आ जाता है इस अवस्था, मतलब कि बच्चा वस्तुओं की इमेज बना लेता है तथा छुपी हुई होने पर ढूंढ लेता है। इसमें वस्तु परमिनेंस क्या है, वस्तु स्थायित्व क्या है, कि अगर वह बच्चा एक बार देख लेता है कि यह चीज़ क्या है, अगर आप उसे बता देंगे कि यह चाबी है, तो वह उसको अपने मन में बैठा लेता है, तथा अगर कभी चाबी खो गई और उसके नज़र में कभी पड़ी होगी कि चाबी मैंने वहाँ गिरी हुई देखी है, तो वह झट से तुरंत लेकर चाबी ले आकर दे देगा कि ये देखिए यही चीज़ आपको चाहिए क्या, ये वहाँ गिरी थी। तो यही है वस्तु स्थायित्व।
तो बच्चा वस्तु की इमेज बना लेता है तथा छुपी होने पर ढूंढ भी लेता है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि चाबी खो जाने पर, क्योंकि उसे एक बार पता था कि ये चाबी है, तो उसको जब पूछा गया आपने चाबी देखी है कहा, तो वो बताएगा जी हाँ मैंने देखी है, तो वह चाबी को तुरंत ढूंढ के ले आ देता है, जिसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। अगला जो स्टेज है, दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक, जिसे प्री ऑपरेशनल भी कहते हैं, तथा ये 2 से 7 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक का अर्थ है क्रिया से पूर्व। पूर्व संक्रियात्मक का क्या अर्थ होता है? पूर्व संक्रियात्मक का क्या अर्थ होता है? क्रिया से पूर्व, यानी इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ भी पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। तो पूर्व संक्रियात्मक का क्या अर्थ होता है कि क्रिया से पूर्व, यानी इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख भी पाएगा, समझ भी लेता है, लेकिन क्रिया कुछ नहीं कर पाता है। इस स्टेज में सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि इस स्टेज में सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। इजी उदाहरण है ये कि साइकिल शब्द सुन के साइकिल की इमेज बनाना, तो इस स्टेज में सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। यह प्रश्न बनता है कि किस स्टेज में बालक जो होता है वह सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है, वह है दूसरी स्टेज अर्थात प्री ऑपरेशनल में। अगला बिंदु इसमें है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टर बिहेवियर, जो उसके प्रति करने लगता है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो जाती है इस स्टेज में, गोल जो है उसके प्रति वह व्यवहार करने लगता है। उदाहरण भूख लगने पर खुद प्रयास कर मांग लेता है। तो गोल डायरेक्टर व्यवहार क्या है? तो ये जो उसका निर्देश है, उसका जो लक्ष्य है, उसके अनुसार व्यवहार करने लगता है। अगर उसे भूख लगी है तो वह भूख के लिए खुद कुछ प्रयास करने लगता है। तो गोल, ये भी प्रश्न बनता है। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सिंबल का यूज किस बालक की सवस्थम करने लगता है? तो आप पूर्व संक्रियात्मक में अर्थात प्री ऑपरेशनल में, तथा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी किसमें आता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, वो भी प्री ऑपरेशनल में आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है कि जीववाद व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। तो जीववाद क्या है? वह एमिनिज्म है। तो सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। तो प्री ऑपरेशनल में बच्चा सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, मतलब कि अगर आप कोई बच्चा जो है वह अगर आप उसे गुड़िया या खिलौना देंगे तो उसे वह भाई कहता है। कभी कभी आप भी देखे होंगे गुड़िया या खिलौने के साथ वह भाई कहता है, ये मेरा भाई है। तो वह सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, इसी जीववाद या एमिनिज्म कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, वह अंतर नहीं कर पाता है। वह गुड़िया को अपना साथ ये मेरा बाबू है ऐसे करते रहे, बहुत बच्चे ऐसे करते रहे, तो वो ये जीववाद है जो इस अवस्था में नहीं आती है। अगला बिंदु है अहम केंद्रित, बच्चा यह सोचता है कि जो वह सोच रहा है वह या वो उसे पसंद है वही सही है। बच्चा इस अवस्था में प्री ऑपरेशनल में यह सोचता है कि जो वह सोचता है या वह जो उसे पसंद है या जो करता है वही सही है। अर्थात उसका मानना है, उदाहरण के रूप में, अगर मुझे ये चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो पूरी दुनिया को चॉकलेट आइसक्रीम ही पसंद होनी चाहिए। अगर मुझे चॉकलेट खाना पसंद है तो पूरी दुनिया को चॉकलेट खाना पसंद होना चाहिए। यही अहम केंद्रित है। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है। ध्यान रखिएगा कि प्री ऑपरेशनल में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेज में सिंबल का यूज करना चालू कर देता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो जाता है, तथा एमिनिज्म अर्थात जीववाद इसमें नहीं होता है, जीववाद इसमें नहीं होता है, तथा ध्यान रखिएगा अहम केंद्रित बच्चा इसमें होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु इसमें है कि अपलटानी का गुण नहीं होता, अपलटाववादी का गुण इसमें नहीं होता। मतलब कि अपलटाववादी क्या है कि 2+3=5 तो बच्चा बता लेगा, पर 5=2+3 नहीं बता पाएगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि अपलटाववादी का गुण इसमें नहीं होता है। मुद्रा संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट भी इसमें नहीं होता। मुद्रा संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप किसी बच्चे को एक पतली सी 2000 की नोट देंगे लेकिन 100 रुपए का आप सिक्का दे दीजिए, 100 रुपए भारी होगा, तो वह 100 रुपए एक सिक्के को चुनेगा, इसे मुद्रा संप्रत्यय कहते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं होता। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि मुद्रा संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तथा दूरी भार, इसको भार लिख लीजिए, दूरी भार हाइट की कॉन्सेप्ट भी नहीं होती, दूरी भार हाइट का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। इजी 1 किलो पत्थर तथा 5 किलो रुई में वह फैली हुई रुई को ज़्यादा समझता है। भार आदि का कॉन्सेप्ट भी, हाइट आदि का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है। मतलब 1 किलो पत्थर अगर उसको दिखा दो 5 किलो रुई दिखा दोगे, क्योंकि रुई ज़्यादा फैली होती है इसलिए वह रुई को ज़्यादा समझता है। और केंद्रीकरण, एक समय पर एक जगह ध्यान देना होता है स्टेज में। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि केंद्रीकरण एक समय पर एक जगह ध्यान देना होता है स्टेज में। संरक्षण, साइज शेप के चेंज करने पर उसकी क्वांटिटी बराबर रखें तो ये भी बच्चा नहीं समझ पाता। ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। कंजर्वेशन जो है, साइज शेप चेंज करने पर उसकी क्वांटिटी रखें तो ये भी बच्चा नहीं समझ पाता, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्रमबद्धता भी इसमें बच्चे में नहीं होती, मतलब चीज़ों को क्रम से नहीं रख पाता है। क्रमबद्धता भी इस अवस्था में नहीं होती, चीज़ों को वह क्रम से नहीं रख पाता है। तो इसमें अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि इसमें बच्चा पूछते हैं कि क्या नहीं कर पाता है, तो इसमें सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि इसमें बच्चा सिंबल का यूज करना सीख लेता है, बस एक ये याद कर लीजिए, तथा उसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। तो बच्चा सिंबल का यूज करना सीख जाता है, तथा
तथा उसमें गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर अर्थात लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आ जाता है, ये दो चीज़ें हो जाती हैं तथा अहम केंद्रित होता है, बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर इस अवस्था में कुछ नहीं होता। और पूछेगा बाकी सारी चीज़ों का कि मुद्रा अपलटावादी का गुण कब आता है, मुद्रा संप्रत्यय का, वह सब तीसरी अवस्था मार दीजिएगा, यही ट्रिक है। इसमें आप सिंबल का यूज करना बच्चा सीख लेता है तथा गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है तथा अहमवादी हो जाता है, बाकी सब कुछ नहीं कर पाता है बच्चा, सब थर्ड स्टेज में करता है। अगला बिंदु है कि सॉरी अमूर्त नहीं होगा, मूर्त होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो 7 से 11 वर्ष होती है, मूर्त संक्रियात्मक। इसमें बच्चा चिंतन शुरू कर देता है केवल उन चीज़ों को जिन्हें देख सकता है, तो इसमें जो चिंतन शुरू होता है जिन्हें देख सकता है उन्हीं चीज़ों को होता है, इसलिए इसे मूर्त, मूर्त मतलब देखना होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ऊपर जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट क्रमबद्धता संरक्षण मुद्रा संप्रत्यय पलटाव आदि सभी इस अवस्था में सीख लेता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि आपको सिर्फ उसमें दो चीज़ें याद करनी है, 3 चीज़ें, अहम केंद्रित हो जाता है बच्चा तथा उसमें जीववाद नहीं होता है तथा सिंबल का यूज करना वह सीख लेता है तथा गोल डायरेक्टर बिहेवियर अर्थात लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर लेता है, बाकी सारी चीज़ें जो आती हैं वह तीसरी अवस्था में आती हैं, मूर्त संक्रियात्मक में आती हैं। अगला बिंदु है कि आगमनात्मक तर्कणा अर्थात इंडक्टिव रीजनिंग या हाइपोथेटिकल थिंकिंग इसमें आ जाती है। इस स्टेज में बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, तो इस स्टेज में बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। अगला बिंदु है कि औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष है, तो इसमें बच्चा जो है अमूर्त जो कि चीज़ें देख नहीं सकती है उसका भी चिंतन शुरू कर देता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक में बच्चा न देखी जाए चीज़ें वाली चिंतन शुरू कर देता है, मतलब प्रदूषण क्यों हो रहा है, प्रदूषण से हमारा क्या नुकसान होगा, पानी की कमी क्यों हो रही है, ऐसी चिंतन भी हुआ करने लगता है 11 से 15 वर्ष में। निगमनात्मक तिरकणा मतलब नियमों पर भी वह तर्क करने लगता है, नियमों पर भी वह तर्क करने लगता है, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि निगमनात्मक तर्कणा कब आती है तो वह औपचारिक संक्रियात्मक में आती है, लेकिन आगमनात्मक तर्कणा कब आती है वह मूर्त संक्रियात्मक में आती है। चलिए इस सेशन में इतना ही, अब हम किसी नए टॉपिक के साथ नए सेशन में मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।